एवरीवन, देखिए अब क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं। देखो इसमें क्या कहता है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ के फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो ये नीचे दी हुई है, सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स। के की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है इनमें से, और ऐसी वैल्यू निकालनी है कि ये क्या बने आपके पास, टू इक्वल रूट्स बने, यानी कि कंडीशन दे दी टू इक्वल रूट्स की। तो यानी कि अगर हम कह रहे हैं कि टू इक्वल रूट्स हैं, तो इसका मतलब डी इक्वल टू क्या है, जीरो है, जो कंडीशन मैंने आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बताई थी, है ना यार। डी ग्रेटर देन जीरो होता है तो क्या होता है हमारे पास, डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होते हैं, और डी लेस देन जीरो होता है तो नो रूट्स होते हैं, है ना, और डी इक्वल टू जीरो होता है तो टू इक्वल रूट्स होते हैं। यानी कि डी मतलब क्या, बी स्क्वेयर माइनस फोर ए सी इक्वल टू जीरो वाली कंडीशन कह रही है, ठीक है। तो देखो उसी से निकल जाएगा ये इसमें वैल्यू आपके पास के लिए। देखो कैसे, देखो सोल्यूशन में चलते हैं, इसका फर्स्ट पार्ट देखते हैं पहले क्या है इसमें। देखो टू एक्स स्क्वेयर प्लस में के एक्स प्लस में थ्री इक्वल टू में जीरो। अब जो कंडीशन उसने दी है कि दे हैव टू इक्वल रूट्स, इक्वल रूट्स की कंडीशन है, ठीक है। तो ऑब्वियस ही बात है इसका मतलब यहाँ हम लिख देंगे, इक्वल रूट्स का मतलब क्या होता है, डी इक्वल टू जीरो, दैट इज बी स्क्वेयर माइनस फोर ए सी इक्वल टू में जीरो। कितनी बात क्लियर है या नहीं है, ठीक है। अब यहाँ से देखो जरा ए बी सी की वैल्यू, देखो जरा यहाँ से अगर हम देखें, ए कितना है हमारे पास टू है, और बी कितना है के है, और सी कितना है हमारे पास थ्री है, क्लियर। अब देखो बी स्क्वेयर मतलब बी कितना है के, तो यहाँ रखेंगे k का स्क्वायर माइनस फोर इंटू में a कितना है टू और c कितना है थ्री इक्वल टू जीरो। तो आ गया आपके पास k स्क्वायर माइनस फोर टू ज़ा एट, एट थ्री ज़ा ट्वेंटी फोर इक्वल टू में ज़ीरो। तो k स्क्वायर की जो वैल्यू आ जाएगी इधर जाकर प्लस में 24, समझ रहे हो। और जब हम ये स्क्वायर हटाएंगे यहाँ, तो इधर स्क्वायर रूट आएगा, तो यहाँ प्लस माइनस भी आ जाता है साथ में, ठीक है, ये चीज़ याद रखना, ठीक है। ये क्यों होता है इसके को, जैसे मान लो माइनस फोर है, इसका स्क्वायर करोगे तब भी कितना आता है, 16 ही आता है, और 4 का स्क्वायर करोगे तब भी 16 ही आता है। तो इन दोनों के जब आप रूट निकालोगे तो इसका 4 आएगा और यहाँ से भी इसका 4 आएगा, लेकिन एक माइनस वाला है किया था हमने और एक प्लस वाला किया था, तो ऑब्वियसली पता है जब रिटर्न जब वो जाएगा तो ये प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है, ये भी प्लस हो सकता है और माइनस हो सकता है, इसलिए क्योंकि हमें पता ही नहीं होगा, जैसे ये रूट 16 है कि इसमें से, जैसे माइनस 4 का भी 16 हुआ था ये और 4 का भी 16 होता है, लेकिन जब इनके स्क्वायर रूट करते हैं तो फिर प्लस माइनस दोनों में लिखते हैं कि दोनों में कोई सा भी हो सकता है, क्लियर इतनी बात। तो वही कारण यहाँ पर है। अब यहाँ 24 के लिए देखो पेयर बनाए अगर हम अंदर, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 2 6 ज़ा 2 3 ज़ा और ये 3 1। तो देखो यहाँ पर जब पेयर बनेंगे तो देखो क्या होगा, प्लस माइनस और 24 के जो अंदर बने हैं ये बने हैं 2 इंटू 2 इंटू में 2 इंटू में 3, पेयरिंग करो ये बन रहा है सिर्फ, तो ये सिंगल दो बाहर जाएगा, प्लस माइनस और ये टू और अंडर रूट में ये कितना हो गया 6। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है बता दो जरा, बिल्कुल सिंपल कहानी है, कुछ भी नहीं है। तो यानी कि जो k की वैल्यू आई है वो क्या आई है आपके पास बताओ, जो k की वैल्यू आई है प्लस माइनस में 2 अंडर रूट 6 ये वैल्यू होगी, तो ये इक्वल रूट होंगे, क्लियर है इतनी बात, क्योंकि इक्वल रूट की कंडीशन पे ही हमने ये k की वैल्यू निकाली है। क्या इतनी बात क्लियर है, चलो इसके सेकंड पार्ट में चलते हैं, सेकंड पार्ट नेक्स्ट पेज पे करते हैं। देखो सेकंड का सेकंड पार्ट जो है, इसमें देखो ये इक्वेशन दी हुई है आपके पास, ठीक है, सेम है कंडीशन वही इक्वल रूट्स वाली। तो पहले इसको अरेंज करते हैं, पहले तो देखो ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में बनाते हैं, के एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करो के एक्स स्क्वायर बनेगा, के एक्स को टू से करो तो माइनस का टू के एक्स बनेगा, और ये प्लस का सिक्स इक्वल टू जीरो। यहाँ से देखो ए की वैल्यू जो है वो के है, बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी माइनस का टू के, और सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी सिक्स, समझ रहे हो ना, ए एक्स स्क्वायर के साथ वाला होता है और बी एक्स के साथ वाला होता है, तो एक्स के साथ यहाँ माइनस का टू के और सी ए सिंगल वाला होता है, क्लियर। तो जो हमारे पास कंडीशन है वो कौन सी है, इक्वल रूट्स की, इक्वल रूट्स की कंडीशन, तो डी इक्वल टू जीरो, और डी इक्वल टू जीरो का मतलब क्या हो गया यहाँ पर आपके पास कि बी स्क्वेयर माइनस में फोर ए सी इक्वल टू जीरो है, यही मतलब हुआ। तो बी की वैल्यू देखो कितनी है आपके पास, माइनस का टू के, तो माइनस का टू के का स्क्वेयर माइनस फोर इंटू में ए की वैल्यू के और सी की वैल्यू सिक्स, कितना बनेगा ये देखो, माइनस का टू का स्क्वायर तो माइनस टू इंटू माइनस टू माइनस माइनस प्लस और टू टू द फोर, तो फोर बना और के स्क्वायर साथ में होगा माइनस में, सिक्स फोर द 24 के इक्वल टू में ज़ीरो। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है, यहाँ से देखो आप 4k कॉमन लो, 4k जब आप कॉमन लोगे तो यहाँ क्या बचेगा, देखो अगर यहाँ से 4k कॉमन ले रहे हो आप, तो देखो यहाँ बचा k माइनस और यहाँ कितना बचा 4, 6 द 24 होता है 6, समझ रहे हो, और k से k, देखो जब भी हम कॉमन लेते हैं तो कैसे करते हैं, 4k स्क्वायर है तो इसके नीचे 4k लगा दो क्योंकि कॉमन लिया है, 4 से 4 1k से k, तो k ही आया, और ये है माइनस 24k, इसके नीचे भी 4k लगाओ कॉमन लिया है तो 4 6 था, तो ये माइनस 6 आ गया, समझ रहे होंगे कहानी की क्या होती है। अब देखो
फोर के इधर जाएगा तो ये जीरो ही बन जाएगा इसके नीचे जब जाएगा ये। क्लियर हो रही है कहानी या नहीं? ठीक है, तो बचा क्या सिर्फ हमारे पास के माइनस सिक्स इक्वल टू जीरो। इतनी कहानी क्लियर है या नहीं है बताओ, समझ रहे हो? फोर के तो इधर चला जाएगा ये, तो ये टर्म क्या हो गई, जीरो हो गई। तो के माइनस सिक्स इक्वल टू जीरो, और के इक्वल टू कितना आ गया आपके पास, सिक्स आ गया। तो यहाँ से ये इसका आंसर आया आपके पास, के इक्वल टू सिक्स। क्लियर है कहानी, बताओ समझ में आ रहे हैं? बड़े सिंपल से क्वेश्चन है। क्लियर, ओके जी, थैंक यू।